पहले आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि कितने पैसे आए हो कब से, ठीक है? हेलो मेरे पहाड़ी भाई लोगों, एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, गुड़गांव हरियाणा से। और अभी देखो मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ और पीछे देखो थोड़ा लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है और आज ड्यूटी से थोड़ा सा लेट हो गया। दोस्तों मेरी जो ड्यूटी होती है वो होती है रात को 8 बजे से और अगले दिन सुबह 5 बजे तक। तो मतलब रात के टाइम मैं ड्यूटी करता हूँ आजकल, ठीक है। कभी मॉर्निंग में करते हैं और कभी नाइट में, तो ऐसा चलता रहता है। ड्यूटी का सिस्टम चेंज होती रहती है मेरी शिफ्ट। तो आजकल नाइट की है और अभी सुबह के टाइम हो गया है 8:15। तो आज मैं थोड़ा सा लेट निकला ड्यूटी से, और दिन मेरा टाइम है 5:30 से 6 बजे निकल जाता हूँ मैं, और रात थोड़ा लेट निकले और यहाँ से मेरे पास निकले जाने हैं मुझे। अभी कुछ इस तरह का मौसम हो रखा है, ये देखो कोहरा लगा है बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा है मौसम। और मैं हूँ इस जयपुर वाले हाईवे पे, शंकर चौक में मेन हाईवे पे, ठीक है। और यहाँ से मुझे कैब पकड़नी है आगे से इधर, यहाँ से ये देखो ये पूरा हाईवे है। और इस बिल्डिंग की बात कर रहा था मैं, ये यहाँ पे सबसे बड़ी बिल्डिंग है मेन, मतलब यहाँ पे ये बड़ी बिल्डिंग है, बाकी इससे बड़ी और होगी लेकिन यहाँ पर ये बड़ी बिल्डिंग है। तो मैं यहीं से जाता हूँ ड्यूटी, यहाँ से मेरा रास्ता है कुछ पैदल का इस बिल्डिंग से, और मैं जाता हूँ पैदल 5-10 मिनट का रास्ता है यहाँ से पैदल का। और यहाँ से महपालपुर जब जाता हूँ तो महपालपुर की रेड लाइट पे, और वहाँ से 10 मिनट का रास्ता है पैदल कमरे तक। तो अभी आ चुका हूँ मैं स्टैंड पे और यहाँ से मुझे जाना है महपालपुर यहाँ तक के लिए। थैंक यू, शाबाश शाबाश यहाँ से कर रहे हैं। कोहरा लगा है, दिल्ली का मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है यहाँ से, और गाड़ियों की भीड़ लग चुकी है मेले, सब मेरे को वेट कर रहे हैं क्या, मेले वेट कर रहे हैं क्या, सब के सब हॉर्न मारे जा रहे हैं भाई, मेरे को ही ले जाना है सब ने। और ये भाई साहब यहाँ पे शाबाश शाबाश बोल रहे हैं मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। और पीछे देखो कितना कोहरा लगा है, बहुत ज़्यादा, ये देखो। चलो मैं भी गाड़ी में बैठता हूँ, कौन सी गाड़ी मेरे को उठा के ले जाती है सीधे महपालपुर। चलो टाइम से गाड़ी भी मिल गई है और अब चलते हैं सीधे महपालपुर के लिए। तो दोस्तों आप लोग यहां तक पहुंच गए ब्लॉग में, काफी अच्छी बात है यार, दिल से शुक्रिया यहां तक देखने के लिए ब्लॉग को। तो दोस्तों ड्यूटी से मैं आ चुका हूं, आपने बाहर का मौसम देख लिया होगा दिल्ली का, और मेरे दिल का मौसम जानोगे, काफी ज्यादा खुश हूं मैं यार। यूट्यूब की पेमेंट जो आ गई है तो खुश हूँ काफ़ी ज़्यादा। आप लोग यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ पे आराम से बैठ के चर्चा करेंगे कि YouTube मैंने कब स्टार्ट किया था, कितने पैसे आए और क्या क्या फ़ायदा हुआ मेरा यहाँ पे देखने के लिए। अभी यहाँ पे आराम से बैठ के चर्चा करूँगा आप लोगों तक मैं अच्छे आदमी में क्या रख लूँ। तो यहाँ पे अभी बैठ के आराम से चर्चा करूँगा, सब कुछ आपको बताऊँगा। अगर आपको इंटरेस्ट है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होने वाला है, एंड तक देखिए दोस्तों, मेरी खुशी आप लोग तक शेयर करूंगा, ठीक है, एंजॉय करते रहना। तो अब यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ, आराम से आप लोगों तक चर्चा करता हूँ अपनी YouTube के जर्नी का, अपने YouTube चैनल के बारे में। सबसे पहले तो मेरी पेमेंट जो आई है उसके लिए सभी दोस्तों का, जो भी मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं 5600 कुछ सब्सक्राइबर, उनका दिल से थैंक यू और उनके लिए दिल से नमस्कार यार। आप लोगों का इतना सपोर्ट रहा कि मैं यूट्यूब से पहली पेमेंट लेने में आप लोगों की वजह से सक्सेसफुल हो पाया हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी गर्व की बात है और काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं इसके लिए। और मेरे फैमिली वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, खासकर मेरी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा खुश। तो आराम से यहाँ पे बैठ के आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, और कितनी पेमेंट आई पहली बार की, और यहाँ पे कैसी जर्नी रही, कैसे आपने स्ट्रगल किया, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि कब आई थी मेरी पेमेंट। तो पेमेंट आई थी दोस्तों 22 जनवरी दिन के टाइम पे 2:10 के करीब करीब, इतना ही टाइम हो रहा था वहाँ पे उस दिन। और यहाँ पे वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी, खुश था मैं काफ़ी ज़्यादा, दिल से काफ़ी ज़्यादा खुश था और चेहरे से भी थोड़ा सा खुश जरूर था। झूमते झूमते जा रहा था ड्यूटी, और उसके बाद ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, मेरा मन था उसी टाइम ब्लॉग बनाने का, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी जा रहा था, काम भी बहुत था वहाँ पे, मतलब 24 आवर का काम था उस दिन, काफ़ी ज़्यादा काम था, बिना थके बिना आराम किए काम किया और कल के दिन आराम किया। 22 जनवरी उस दिन अयोध्या में मतलब कि राम मंदिर का उद्घाटन भी था, तो उसके लिए सभी को जय श्री राम। और दोस्तों कल 26 जनवरी, उसके लिए भी सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो भी सवाल आपके होंगे अपने YouTube चैनल की जर्नी, और यहाँ पे किस तरह से मैंने स्ट्रगल किया और किस तरह से पेमेंट ली YouTube से, प्रॉपर बताऊँगा आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आगे ब्लॉग में बने रहना,
और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें आपको टिप्स भी बताऊंगा, जो लोग जो है नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं उनको कुछ टिप्स भी दूंगा, मतलब कि यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि कितने पैसे आए यूट्यूब से, ठीक है। मुझे 2022 में मुझे जॉब मिली दिल्ली में अपनी भाई की कंपनी में, और कंपनी काफ़ी अच्छी भी है, यहाँ पे इतना फोर्स भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें फैसिलिटी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे 1 तारीख को हमारी प्रॉपर सैलरी आ जाती है और 2 छुट्टी हमें मिल जाती है, तो रेस्ट भी मिल जाता है पूरा। और यहाँ पे इस तरह की हमारी जॉब है और कंपनी का नेम है ब्लू टोकाई। इस पर आगे एक अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगा, मैं पूरे डिटेल दूंगा अपनी कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम जान लेते हैं, वो है ब्लू टोकाई। उसकी यहाँ पे मैंने ये हुडी भी पहनी हुई है, यहाँ पे हमारी कंपनी का लोगो भी लगा हुआ है। ब्लू टोकाई कॉफ़ी रोस्टर, कॉफ़ी की कंपनी है ऑब्वियसली, और इसके कैफे भी हर जगह, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमारी कंपनी है, और मैंने जॉब यहाँ पे जॉब में लग चुका था 2022 को नवंबर के टाइम पे। उसके बाद मुझे 1 साल हुआ 2023 में नवंबर में, और अभी तक जो है मतलब रेगुलरली ब्लॉग बनाना चालू नहीं किया मैंने, क्योंकि टाइम मिलता है जॉब से, मतलब स्ट्रगल भरी लाइफ चल रही है तो यहाँ पे टाइम कम मिलता है, और कभी कभी ब्लॉग शूट करता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सभी दोस्तों को। और उसी के बीच मैंने अगर रेगुलर रहता, जब मैं जून से आया था 2022 में गाँव से, घर वाले फोर्स करते करते, उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और टाइम देता, 6-7 महीने और देता यूट्यूब को, तो शायद मेरे पैसे पहले आ जाते यूट्यूब से, ये खुशखबरी जो है मेरे को पहले मिल जाती। लेकिन तो ये तो हो गई बात कि इतना टाइम लगा दोस्तों, क्योंकि आपके मन में ये भी सवाल रहा होगा कि यार तू तो काफ़ी टाइम से ब्लॉग बना रहे तो तेरे को पेमेंट नहीं मिली, ये आप लोगों का भी सवाल रहा होगा। और आगे का एक सवाल आप बताते हैं कि इस चैनल को मैंने कैसे स्टार्ट किया था, चर्चा ये है आप लोगों के मन में भी। दूसरा सवाल ये होगा कि कैसे मैंने इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था, ठीक है। 2017 में मैं यहाँ पे कोरदार आया था गांव से, उस टाइम पे मेरे को यूट्यूब के बारे में एक तो सारी नॉलेज नहीं था, जरा भी नॉलेज नहीं था बिल्कुल यार, माँ कसम। तो 2017 में आया था, और उसके बाद मैंने दोस्तों के साथ ऐसे वीडियो वगैरह देखते थे हम, और गांव में तो फ़ोन कहाँ थे पहले, हम यूट्यूब वगैरह कीपैड वाले फ़ोन में देखते थे गाँव में, ठीक है, गाने वगैरह उसी में सुनते थे। और जैसे ही शहर में आए तो दोस्तों दिखाते, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल देते और वो यूट्यूब में वीडियो दिखाते थे, मतलब कि बड़े बड़े यूट्यूबर की, जैसे बीबी के वाइंस की और ये राउंड टू हेल की, उनके बारे में चर्चाएं करते थे कि ये यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, और वहाँ पे हम भी देखते रहते। उसके बाद से मेरे दिमाग में भी खटकने लग गया है, वीडियो बना के पैसे, यार ऐसा कुछ है क्या सेम, ये तो काफ़ी अच्छी बात है वीडियो बना के भी पैसे कमाने की बात, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। फिर हमने भी सोचा कि यूट्यूब में वीडियो बनाई जाए, मैंने इस चैनल पर शुरुआत में वाइंस बनाना चालू किया, देखना चालू किया भुवन बाम को, और अलग अलग करेक्टर के साथ वो वीडियो बनाते हैं, वैसे मैंने भी चेंज किया, कभी बूढ़ा बन गया, कभी जवान बन गया, कभी लड़का बन गया, कभी कुछ बन गया, तो ऐसा कुछ यार फनी वे मैंने इस चैनल को चालू किया था। उसके बाद ये सब कुछ हुआ नहीं, चला नहीं, तो मैंने फिर दोस्तों ने भी बोला कि चलो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, फिर हमने एक वीडियो बनाई थी क्रिकेट पर, एक दो वीडियो बनाई थी हमने, तो उसके बाद उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जैसे ही वो वीडियो खत्म हुई, उसके बाद उसका सेकंड पार्ट बनाने के लिए गए तो कोई राजी नहीं हुआ, पहली वीडियो में ऐसे जोश के साथ मतलब ओके बाज में बना दी वीडियो, और फिर से मैंने चालू किया कि अब ब्लॉग चैनल बनाया जाए, मतलब कि चैनल तो मेरा था ही, तो ब्लॉग बनाया जाए इस पर। और ब्लॉग बनाए मैंने देखे, मतलब कि किसको, आशुतोष नेगी नमस्ते पहाड़ को, जो कि रुद्रप्रयाग साइड से उत्तराखंड, और उनके ब्लॉग देखे मैंने शुरुआत से जब उनके 8,000 सब्सक्राइबर थे, और अब उनके चैनल पर शायद 200 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 200 के से ऊपर ही हो चुके हैं, तब से मैं उनके चैनल उनकी वीडियो देखता रहता हूँ, और उन्हीं की वजह से मुझे भी कुछ सीख मिली। वो कमेंट करते रहते थे, सिखाते भी थे, उनसे इंस्टाग्राम पे भी बात हुई, उन्होंने जब उनके 100 के सब्सक्राइबर भी हो गए थे तब भी उन्होंने हमसे बात की, मतलब ईगो वगैरह कुछ नहीं उनके अंदर, और एक बार लाइव भी उनसे बात हुई थी इंस्टाग्राम, मतलब एक टाइम था ना कि हम यूट्यूब पे देखते थे कि पैसे पैसे कमाए यूट्यूब से वीडियो डाल के, और आज वो सपना एक बार मतलब हकीकत होते हुए दिख रहा है कि यूट्यूब से हमने पैसे ले लिए हैं, तो काफ़ी अच्छा है। अरे फिर से सभी दोस्तों का जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, दिल से धन्यवाद सभी मेरे पहाड़ी भाई लोगों का, आप लोगों ने हर टाइम तो मुझे सपोर्ट किया है, और ऐसा ही सपोर्ट आप लोगों का ज़रूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये थी ऐसी बात, और अब बात करते हैं कि पेमेंट कितनी आई। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ, जो भी मेरे दोस्त वगैरह होंगे, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, और यूट्यूब चैनल ने मुझे मतलब कि पहचान भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई, पहचान तो मुझे इस चैनल से मिली, और अब जो पेमेंट मिलना भी चालू हुआ, तो ऐसा कुछ सीन था। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कि इस टॉपिक पे आते हैं कि कितने पैसे मिले। पैसे दोस्तों इतने मिले
सबसे पहले तो हाँ मैं बात ये कर रहा था कि जो भी मेरे दोस्त हैं जिन तक ये बात पहुंचेगी, ये ब्लॉग पहुंचेगा कि यार ये आप तो पैसे कमाने लग गया भाई, बड़ा आदमी हो गया, इसमें कुछ नहीं है, यूट्यूब में कोई हिसाब किताब नहीं है पैसे का, कभी आते हैं कभी नहीं आते। हाँ तो मैं यहाँ पे था कि दोस्तों जो भी ये ब्लॉग मतलब देख रहा होगा, मतलब जिस तक ये ब्लॉग पहुंचेगा तो मेरे दोस्तों तक मेरी काफ़ी पहचान है, दोस्त मेरे काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं अब तो, वो ये भी सोचेंगे कि यार भाई अब तो पैसे छाप रहे हैं भाई, पार्टी दे पार्टी दे। तो दोस्तों अभी इतनी बड़ी रकम आई नहीं है, जब बड़ी रकम आएगी तो पार्टी भी होगी बहुत भयंकर, ठीक है। अभी पार्टी मत मांगना भाई, ठीक है। अभी ये पैसा है मम्मी के नाम पे, ये पैसा मैं सबसे पहले मम्मी को ही देने वाला हूँ, अपनी मम्मी को ही भेजूंगा पैसे, और भेजता ही हूँ जॉब के पैसे मैं घर में भेजता हूँ, अपने पास में कम ही पैसे रखता हूँ, और ये पैसे सबसे पहले यूट्यूब के मम्मी के पास ही जाएंगे, फिर मम्मी को मैं बोलूँगा कि मम्मी क्या करना है इसका, ठीक है। देखते हैं मम्मी क्या डिसाइड करती है इन पैसों का। और यहाँ तक थी बात, तो आप जानते हैं कि आपके मन में सवाल होगा कि भाई कितने पैसे आए तेरे यूट्यूब से, तो पैसे दोस्तों इतना आए कि मतलब कम ही आए अभी यार, और आगे आगे जैसे जैसे व्यू आएंगे वैसे वैसे पैसे आएंगे, ठीक है। और पैसे इतने आए कि एक मतलब एक अच्छा सा मोबाइल आ ही सकता है, एंड्रॉयड मोबाइल इन पैसों से, ठीक है। वीडियो वगैरह ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए आ सकता है एक अच्छा सा मोबाइल, ठीक है। तो कुछ इतने पैसे आए, पैसे चलो हो गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी नया चैनल चालू करना चाहते हैं उनके लिए मेरी तरफ से कुछ टिप्स है यहाँ पे, तो आप लोगों को मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप नया चैनल चालू करना चाहते हैं, मेरे कोई भी भाई लोग पहाड़ी भाई लोग, अगर आप लोग नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले टिप्स ये है कि आपको जो आता है, जो आपके अंदर टैलेंट है उसको दिखाएं यूट्यूब पे। तो आपके अंदर जो भी टैलेंट होगा उसको पहचाने और उसी को यूट्यूब पे डालें, तब आपको सफलता जल्दी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको मतलब आप अच्छा सा बोल सकते हो, अगर आप नॉलेज रखते हो, किसी को एजुकेशन दे सकते हो, शिक्षा दे सकते हो किसी को, तो शिक्षा वाला चैनल बनाइए। और यहाँ पे शिक्षा अगर आपको ग्रहण करनी है तो आप लोगों को मैं एक चैनल बताता हूँ, ए फॉर अर्जुन नाम से एक यूट्यूब चैनल है मेरे भाई का, जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, सपोर्ट करने के लिए तो काफ़ी भाई लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अगर ज़्यादा नाम लूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँ कि सबके लिए पहले तो दिल से थैंक यू जिन्होंने सपोर्ट किया। और यहाँ पे एक चैनल है ए फॉर अर्जुन, मैं बात कर रहा था उनके यूट्यूब चैनल पर जाइए आप, वो उन्होंने अभी हाल ही में जो है अपना चैनल स्टार्ट किया है, वो यहाँ पर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट को कोचिंग देते हो, ठीक है, मतलब यूपीएससी वगैरह जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, सरकारी नौकरी के जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उनकी जो है शिक्षा देते हैं वो, उनका चैनल यूट्यूब पे जाके एकदम अच्छे से भाई एक बार वीडियो देखोगे ना प्रॉपर समझोगे भाई, उनकी वीडियो देखना प्रॉपर समझोगे। ए फॉर अर्जुन उत्तराखंड से लेके इतिहास से लेके और हिंदी वर्णमाला वगैरह से सब कुछ वो आप लोगों को बताएंगे, जीरो से देखना उनकी वीडियो, आप लोग सब सीख जाओगे भाई, देखते रहना उनकी वीडियो, आप जाके विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उनके चैनल की ए फॉर अर्जुन। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, टिप्स उनके लिए ये है सबसे पहले कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो तो यूट्यूब पता क्या है आपको सबसे पहले उसमें करना पड़ता है 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा और 1000 सब्सक्राइबर, वो भी एक साल के अंदर, आप लोगों को ये पता होगा अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया होगा तो ऐसा कुछ सीन है, पैर सो गए भाई बातें करते करते, तो ऐसा कुछ सीन है 1000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर एक साल के अंदर, तो उसके बाद जो है आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो मेन पॉइंट इस वीडियो का ये है कि यहाँ पे इस टॉपिक का यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कि 4000 घंटे का वॉच टाइम जो होता है वो कैसे पूरा करें, ठीक है। आप लोग जब यूट्यूब चैनल बनाते हो तो 3-4 वीडियो डालते हो, और मेरी तरह शुरुआत में भी जैसे मैंने 3-4 वीडियो डालता था कि फिर सोचता था कुछ और डालूं, तो एक ही निच पकड़े मतलब एक ही कैटेगरी पकड़े जिसका आपको नॉलेज हो उसी में वीडियो बनाए, और ऐसा नहीं कि 3-4 वीडियो बनाओ फिर छोड़ दो, ऐसा नहीं भाई लोगों, प्रॉपर मेहनत करो। और आपको बताऊँ मैं एक बोनस पॉइंट बताऊँ, अगर आप वीडियो अपलोड करते जाओगे 30-32 वीडियो अपलोड कर दोगे ना अपने चैनल पर तो भाई आपको YouTube से प्यार होने लग जाएगा, जैसे व्यूज आएंगे ना आपको दिल से खुशी मिलेगी भाई, यहाँ से खुशी मिलेगी दिल से, तो यहाँ से आपको दिल से खुशी मिलेगी, जैसे व्यूज आएंगे ना आपको दिल से खुशी मिलेगी भाई, एक सच्ची बता रहा हूँ। और आप मेहनत करते जाओगे तो जो 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है ना एक ही वीडियो से मिल जाता है, एक ही 1000 सब्सक्राइबर एक ही वीडियो से मिल जाते हैं, मतलब हाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मतलब यूट्यूब क्या है कि यूट्यूब की जो वीडियो है ना, जैसे हम एक पौधा लगाते हैं ना तो वो हमें आगे जाके फल देता है, तो YouTube की वीडियो भी ऐसे ही है, अगर आपने एक बार वीडियो बना दी अच्छे से YouTube पे अगर वो चल गई तो भाई आपको काफ़ी ज़्यादा फल मिलेगा उससे।
शुरुआत में दोस्तों मेरे को भी ऐसे लगता था कि यार 4000 घंटे ये तो बहुत बड़ा है यार, 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरे करूँ भाई। भाई ऐसा कुछ नहीं सोचना है, अगर आपने 5-6 महीने यूट्यूब को दे लिए, वीडियो अगर आप बना रहे हो लगातार तो एक ही वीडियो से मिल जाता है। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को दिखा दूँ तो भाई मेरे को एक ही वीडियो से कम 10-10 हज़ार घंटे वॉच टाइम मिला है। 4000 तो कुछ भी नहीं है, एक ही ब्लॉग से 10 घंटे लाइव को छोड़ के, लाइव वीडियो की बात नहीं कर रहा मैं, लाइव मेरा ज़्यादा घंटा है, लाइव को छोड़ के मेरे ब्लॉग ऐसे भी हैं जिन पे मेरे को 10 हज़ार घंटे का वॉच टाइम मिला हुआ है और सब्सक्राइबर भी मिले हैं 1000 से ज़्यादा, 1500-1600 सब्सक्राइबर एक ही ब्लॉग से मिले हुए हैं। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे जो वीडियो यूट्यूब पे, मैं आपको बता दूँ एक बाघ वाली वीडियो मेरी जिसमें बकरी को मारा था बाघ ने, उस पर 1 लाख से ऊपर व्यूज़ है और 10 हज़ार घंटे का वॉच टाइम, उससे ज़्यादा वॉच टाइम है उस पर, और सब्सक्राइबर 1500-1600 से करीब ही, उस मतलब उसके ऊपर ही है उस पर सब्सक्राइबर, इतने हैं करीब करीब, मैं अभी चेक नहीं किया लेकिन इतने सब्सक्राइबर है उस पर। और ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था ना, अगर आप पौधा लगाते हो तो आगे जाके फल आपको देता है। यूट्यूब भी सेम ऐसे ही, यूट्यूब की वीडियोज भी ऐसे ही है, इतना कुछ प्रोसेस है, ऐसी कुछ जर्नी आपकी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी, कुछ टिप्स मिली होगी आप लोगों को, और सभी को एक बार अगेन से दिल से शुक्रिया यार यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे को। उम्मीद करता हूँ आगे यहाँ पे आपके लिए ब्लॉग वगैरह जरूर बनाता रहूँ, सपोर्ट करके ना सभी के सभी दोस्त, अभी मेरे को आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट चाहिए मुझे, तो दिल से थैंक यू सभी का, और मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय दोस्तों, अब धूप आ चुकी है, थोड़ा सा धूप में चलते हैं, बैठते हैं, धूप सेकते हैं आराम से, नहीं काफ़ी टाइम बाद धूप निकले हल्के से। चलो धूप के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, चलिए धूप दिखाता हूँ मैं आपको, लग रहा है मेरे को कि धूप आने लगी। आई ओ भाई नहीं आए, रे ठंडा लग रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त, अगेन से सभी को दिल से थैंक यू यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त और आगे होगी आपसे मुलाकात। बाय बाय मेरे पहाड़ी भाई लोगों।